नमस्कार दोस्तों, ज्ञान फॉर मीडिया यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त कृतिका। उम्मीद करती हूं कि आने वाले यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। और एज एक्सपेक्टेड वी आर हियर विद सीरीज ऑफ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे। और ये जो हमारा वीडियो सीरीज है, दिस इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म स्टूडेंट्स। आज के हमारे वीडियो में हम टॉप 10 एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज प्रिंटिंग टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा और अंत तक देखिएगा। तो चलिए आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। इसमें 10 क्वेश्चंस रहेंगे, उसके आंसर्स मैं आपको बताऊंगी। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आंसर्स को कहीं पे नोट डाउन कर लें, आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है। ये जो क्वेश्चंस हैं, इसमें कुछ क्वेश्चंस नए हैं जो अभी तक आए नहीं हैं और आ सकते हैं आगे, और कुछ क्वेश्चंस वो हैं जो पिछले सालों में आ चुके हैं। आज का हमारा पहला वीडियो है, डेमी ऑक्टेवो इज़ अ साइज सूटेबल फॉर प्रिंटिंग। ऑप्शंस हैं ए न्यूज़पेपर्स, बी इज़ पोस्टर्स, सी ऑप्शन है बुक्स, या फिर डी है टैबुलाइट। तो यहाँ पे डेमी ऑक्टेवो प्रिंटिंग साइज की बात हो रही है, जो कि प्रिंटिंग में यूज़ होता है, और वो यूज़ होता है बुक्स की प्रिंटिंग में। सो हियर द राइट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर सी, बुक्स। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन सेज, इमेज ट्रांसफ़र ऑन टू द रबर ब्लैंकेट इज़ डन इन डैश टाइप ऑफ प्रिंटिंग। इसमें आपको चार ऑप्शंस हैं, ए इज़ रोटरी प्रिंटिंग, बी इज़ ऑफसेट प्रिंटिंग, सी इज़ ग्रेवियर प्रिंटिंग, या फिर डी स्क्रीन प्रिंटिंग। तो हमें अगर थोड़ा भी आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि रबर ब्लैंकेट जो है ऑफसेट प्रिंटिंग में यूज़ होता है। तो यहाँ पे करेक्ट करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑफसेट प्रिंटिंग। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, दैट सेज आरजीबी कलर मॉडल इज नोन एज डैश कलर मॉडल। चार ऑप्शंस हैं आपके पास, ए इज एडिटिव, बी इज सब्ट्रैक्टिव, सी इज रिस्ट्रिक्टिव, या फिर डी नॉन एक्टिव। आरजीबी कलर मॉडल का मतलब है रेड, ग्रीन और ब्लू, जो हमारे बेसिक कलर्स होते हैं कलर मॉडल के, वो कलर्स की यहाँ पे बात हो रही है। दो तरह के हमारे मॉडल्स होते हैं, एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव। और यहाँ पे ये पूछा है कि ये कौन से टाइप का कलर मॉडल है, तो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए, एडिटिव कलर मॉडल। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, दैट सेज रॉबर्ट गनिंग्स रीडेबिलिटी फॉर्मूला अटेम्प्ट्स टू आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ डैश इन अ पीस ऑफ टेक्स्ट। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में आया था और बहुत डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है ये। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, ए इज़ फॉग, बी इज़ एक्सेलेंस, सी इज़ कोडिफिकेशन, एंड डी इज़ एब्स्ट्रैक्शन। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले पेपर में ये पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फॉग। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5, दैट सेज इन प्रिंटिंग अ कलर विदाउट शेड्स और टोन्स इज कंसिडर्ड एज ए इज सॉलिड कलर, बी इज फ्लैट कलर, सी इज सिंगल कलर, या फिर डी, मेरे ख्याल से ये सिंगल हो सकता है यहाँ पे, एंड डी इज स्ट्रेट कलर। एंड द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, फ्लैट कलर। इन प्रिंटिंग अ कलर विदाउट शेड्स और टोन्स इज कंसिडर्ड एज फ्लैट कलर। ये अगर आपको इसका सही आंसर एकदम नहीं भी पता है तो भी यू कैन जज फ्रॉम दी ऑप्शंस, कि हम लोग कई बार कहते हैं कि फ्लैट कलर है या फ्लैट टोन है, ये बोलचाल की भाषा में इस तरह से यूज़ होता है। तो आप उसका अंदाज़ा लगा के इसका सही ऑप्शन मार्क कर सकते हैं। नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, डैश वॉज द मेटल यूज फॉर मैट्रिक्स ऑफ द टाइप सेटिंग मशीन्स ऑफ यस्टर ईयर्स। इसका मतलब है पहले की जो टाइप सेटिंग मशीन्स होती थी उसमें कौन सा मेटल मैट्रिक्स के लिए यूज़ होता था। ऑप्शंस हैं ए कार्बन, बी मैग्नीशियम, सी लेड, या फिर डी ब्रास। एंड हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ब्रास। क्वेश्चन नंबर 7 सेज द टैबलॉइड
version of earlier broadcast newspaper is called? A. Contact print, B. Compact, C. Tab, या फिर D. Compressor. ये सब theoretical questions हैं. इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉम्पैक्ट. मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर्स इसमें से सही हुए हैं. प्रिंटिंग बहुत इलाबोरेटेड टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी इससे हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पेपर थ्री में खासकर. तो ये आपके उस पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो जाता है. नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. स्क्रीमर इज अ एंड मार्क नॉर्मली सीन इन हेडलाइंस. इट इज़ अ क्वेश्चन मार्क फॉर क्वेश्चंस. ऑप्शन नंबर ए इज क्वेश्चंस, बी इज कोटेशन, सी इज एक्सक्लेमेटरी, या फिर डी सेमी कोलन. ये बहुत ही ईजी और बेसिक क्वेश्चन है. अगर आपने कभी इंग्लिश पढ़ी है तो आपको ये मेरे ख्याल से स्कूल लेवल पर ही बताया जाता है कि जब हम लोग एक्सक्लेमेशन लगाते हैं तो हम इसलिए लगाते हैं कि किसी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए या ऑ ऑफ द स्टेटमेंट दिखाने के लिए, तो उसको हम स्क्रीमर भी कहते हैं. तो यहाँ पे राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एक्सक्लेमेटरी. इट इज एन स्क्रीमर इज एन एक्सक्लेमेटरी मार्क. नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9. द वाइडली यूज्ड राइटिंग टेक्निक फॉर एन इंटरव्यू कॉपी इज ए डिस्क्रिप्टिव, बी एनेक्टोरल, सी इंटरोगेटिव, या फिर डी मेटा फॉरिकल. एंड हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डिस्क्रिप्टिव. दिस इज द वाइडली यूज टेक्निक फॉर इंटरव्यू. नाउ मूविंग ऑन टू आर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 10. विच टाइप ऑफ प्रिंटिंग इज यूज फॉर हाई वॉल्यूम प्रिंटिंग ऑफ मैगजीन्स. ऑप्शन नंबर ए स्क्रीन प्रिंटिंग, बी इज ग्रेवियर प्रिंटिंग, सी इज ऑफसेट प्रिंटिंग, या फिर डी लेटर प्रेस प्रिंटिंग्स. कौन सी प्रिंटिंग टेक्निक मैगजीन्स प्रोड्यूस करने में, क्योंकि मैगजीन्स हम बल्क में प्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए हमने लिख दिया है हाई वॉल्यूम प्रिंटिंग ऑफ मैगजीन. तो हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ग्रेवियर प्रिंटिंग. सो फ्रेंड्स, हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन सीरीज. हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ दूसरे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आएंगे. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फ्री ट्यूटोरियल का फ़ायदा उठा सकें. और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन विच इज़ गिवन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ योर स्क्रीन टू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम ज्ञान फॉर मीडिया.